अनजान स्पेशल क्राइम्स यूनिट सीजन नंबर 1 ओमिनस एंड स्केरी इंडियन हॉरर थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरियल विद इंग्लिश सबटाइटल्स। द केसेस आर सुपरनैचुरल, द पुलिस ऑफिसर्स ह्यूमन। टुगेदर कॉप्स अदिति एंड विक्रांत मस्ट सॉल्व मिस्टरीज फ्रॉम द रियल्म ऑफ द पैरानॉर्मल। एपिसोड नंबर 37। इन दिस एपिसोड व्हेन मर्डर्स बिगिन टू प्लेग अ माइनिंग टाउन, the mining company blames a local tribal group, who in turn blame a forest spirit. Aditi investigates. संजय, जाना फटाफट खाली करवा जा। थोड़ा बचा उस्ताद। अरे संजय, गाना बहुत अच्छा गाया था यार उस दिन। गाना पीले पीले मेरे राजा, क्या बात। पीले लड़के दिख नहीं रहे, जा देख के फिर से जा। ठीक है। अरे क्या इतना टाइम लगा रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं लोग। सुनो, अरे किधर गए काम चोर लोग यार, अब मुझे ही करना पड़ेगा ये काम, ऐसा लग रहा है। गुड इवनिंग सर। बोलो क्या बात है। सर मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गई हूँ। वो जंगल वाले मर्डर्स का केस है। यस सर। सर यहाँ की लोकल पुलिस का कहना है कि यहाँ की आदिवासी कम्युनिटी में काफी अनरेस्ट है, यहाँ की सिचुएशन काफी टेंस है। डन, मैं वहाँ के डीसीपी से आज ही बात करता हूँ। और विक्रांत कैसा है। सर विक्रांत की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है, कल ही बात हुई थी मेरी उससे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी, तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सर, बाय। मैडम जो हत्या हुई थी वो लाशें यहीं पर मिली। मैडम ये जंगल कई सौ किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके बीचों बीच ये नदी बहती है और इसके दोनों तरफ ढेर सारे आदिवासियों के गांव। यहाँ से सबसे नजदीक बेला गांव है जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आपने गांव के लोगों से पूछताछ की थी। की थी मैडम, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन इनका कहना है कि जंगल सब कुछ देख सुन सकता है, महसूस कर सकता है और नाराज होने पर लोगों को दंड भी देता है। अब ये अंधविश्वास है या अफवाह या सच, ये कहना मुश्किल। जो भी हत्याएं हुई है इसी मिट्टी के ढेर के अगल बगल पड़ी हुई मिली थी। वो लोग यहाँ जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे।
वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया मैडम। लेकिन इन हत्याओं से पहले भी एक और हत्या हुई थी, करेक्ट? जी हाँ मैडम, दो हफ्ते पहले एक डेड बॉडी मिली थी, तभी से सब शुरू हो गया। विक्टिम के पेट से लेकर गले तक मिट्टी भरी हुई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या का कारण दम घुटने की वजह से? जी हाँ मैडम, ये केस हमारे करियर का सबसे अजीब और सिरदर्दी वाला केस बन गया है। इन हत्याओं में और कोई पैटर्न नजर आया? हाँ मैम, पहला ये कि सारी लाशें मिट्टी में लिपटी हुई मिली। दूसरा कि उनकी मौत दम घुटने से हुई। तीसरा, एक को छोड़ बाकी सब एनरकॉन माइनिंग कंपनी के कर्मचारी थे। वर्मा जी, एनरकॉन कंपनी के मैनेजर से एक मीटिंग फिक्स कीजिए। जी मैडम। एक मिनट मैडम। हेलो, कौन हो तुम लोग? आप यहाँ क्या करें? कोई था क्या यहाँ? नहीं, कोई नहीं था। एक्चुअली एनरकॉन कंपनी के मैनेजर से हमारी बात हो गई, हम उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर आचार्य अंदर है। आइए। नमस्ते। एसपी अदिति शर्मा मुंबई से, आपसे कुछ बात करना चाहती है। बैठिए प्लीज। बेटा आप यहाँ से बाहर जाके खेलो, पापा को थोड़ा काम है। यस कमिंग। चल रख दो यहाँ। लीजिए प्लीज। स्टाफ क्वार्टर सामने ही है तो खेलने आ गई थी। सच कहूं तो वो थोड़ी सी नाराज है। हम लोग सब छुट्टी पे जाने वाले थे जो मुझे इन सब कारणों की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। और इस कंपनी का मैनेजर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो जब तक सब ठीक ना हो जाए और मेरे एम्प्लॉयज सुरक्षित ना हो, मैं यहीं पे रहूँ।
मिस्टर आचार्य, आपकी कंपनी में अब तक जिन भी एम्प्लॉयज की डेथ्स हुई है उनके बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? उन्हें आपकी कंपनी से कोई शिकायत थी सैलरी को लेके या वर्किंग आवर्स को लेके, या फिर उन्होंने कभी आपकी या आपकी कंपनी के खिलाफ कोई आंदोलन करने की कोशिश की हो? देखिए मैडम, जहाँ तक मैं जानता हूँ उन सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स क्लीन थे, और रही बात आंदोलन की और संगठन की, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट मंथ ही कंपनी ने सबको बोनस दे दिया था। हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि जब भी ये कंपनी प्रॉफिट करती है तो ये प्रॉफिट को सारे एम्प्लॉयज के साथ बिना मांगे शेयर कर देती। इसका मतलब है कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी? जी नहीं। कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम, कोई दूसरी कंपनी हो जो कंपटीशन के चक्कर में ये सब कुछ कर रही हो या करवा रही हो? सच कहूं तो यहाँ के आदिवासियों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ के जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस हाल में हमारे एम्प्लॉयज की लाशें मिली है और जिस भयानक तरीके से ये खून हुए हैं, मुझे तो इस सारे कांड में यहाँ के आदिवासियों का हाथ लग रहा है। मैडम, इस बात का कोई सबूत अभी तक हमें नहीं मिला है, ना क्राइम सीन से और ना फॉरेंसिक लैब से। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या उन आदिवासियों ने कभी आपकी या आपकी कंपनी के खिलाफ कोई हिंसक कदम उठाया? क्या आपकी कंपनी को कोई डैमेज पहुंचाने की कोशिश की? मिस्टर आचार्य, मुझे आपकी कंपनी में अब तक जिन भी एम्प्लॉयज की डेथ्स हुई है उनकी डिटेल्स चाहिए। ये तो गुंजन की आवाज। गुंजन? गुंजन? एक मिनट, आवाज यहीं से आ रही थी। गुंजन, गुंजन क्यों पर यहां पर आके कभी खेलती तो नहीं है? गुंजन, ये तो उसी का है ना? हाँ। गुंजन, 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 गुंजन बेटा कहाँ हो तुम? गुंजन, गुंजन, आदमी आया था मिट्टी वाला। उठ जाओ, उठ जाओ। लोगों ने अब मेरे परिवार को डराना शुरू कर दिया। ये मिट्टी और इस तरह का पूजा स्थल आदिवासियों का ही होता है। अब और कितने सबूत चाहिए आप लोग? बेटा चलो यहां से। वर्मा जी, ये पूजा स्थल मिट्टी लगता है किसी ने इलीगली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आकर बनाया है। मिस्टर आचार्य को उन आदिवासियों पर शक है, आपको क्या लगता है वो सच बोल रहे हैं? हो सकता है मैडम। वो क्या है कि आज से कई साल पहले यहाँ भीषण दंगे हुए थे और आदिवासियों ने अपने आप को मिट्टी के अंदर छिपा के हमले किए थे। दंगे क्यों हुए थे? मैडम, आदिवासियों ने गवर्नमेंट के खिलाफ भीषण आंदोलन छेड़ दिया था
वो चाहते थे कि उनके वन क्षेत्र पर बाहरी लोग प्रवेश न करें। लेकिन मिट्टी में छुप कर ही क्यों? मैडम उनका मानना है कि धरती माँ उन्हें शक्ति प्रदान करती है। जिन आदिवासियों ने वो दंगे किए थे वो पकड़े गए थे, उन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उस दंगे की गोलाबारी में कई आदिवासी मारे गए थे, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, कई लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और तहकीकात भी बंद हो गई। वर्मा जी आपने कहा था कि एक आदमी को छोड़कर सभी बनने वाले इनरकॉन के एम्प्लॉयज थे, वो एक आदमी कौन था? मैडम वो एक आदमी यहाँ के आदिवासियों का सरपंच था। सरपंच था जी। अभी वहां का सरपंच कौन है? उसका बेटा। नमस्ते, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? हम इस गांव की नदी के आसपास जो हत्याएं हुई है उनके बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। जी जरूर। आप उन हत्याओं के बारे में क्या जानते हैं? ये क्या बताएंगे आपको, मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैडम यहाँ पे मैं सच जानने के लिए आया हूँ कि हमारे कॉम्प्लेक्स में आकर मेरी फैमिली को कौन डरा धमका रहा है। आज पुलिस के सामने आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। कितने सालों से पोस्टेड है साईनाथ जी आप यहाँ पर? आपके और आपके कंपनी की वजह से जंगलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपके कारनामों के वजह से ही यक्षी आपको सजा दे रहा है। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? यक्षी कौन है, कहां से आ गया अचानक से? अचानक से पैदा नहीं हुआ साहब, वो जंगल की आत्मा है और प्रकृति की रक्षा करता है। ये यक्षी दिखता कैसा है? आसमान की तरह दिखता है, इन पेड़ों की तरह दिखता है, उस नदी की तरह दिखता है और इस धरती की तरह भी दिखता है यक्षी। अच्छा, और आपका ये यक्षी चाहता क्या है? इंसाफ चाहता है यक्षी। इंसान का लालच जब प्रकृति को नष्ट करता है तो यक्षी जंगल को बचाता है और गुनहगारों को उनकी सजा देता है, और यक्षी तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो गुनहगारों को सजा नहीं दे देगा। ये फालतू के अंधविश्वास इन लोगों ने हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए फैलाए। अरे अगर हमारी कंपनी नहीं होती ना तो तुम सब सब लोग भूखे मर जाते। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे और सब उगलवाइए, ये झूठी कहानी बनाकर हम सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं ये सब क्यों करूंगा साईनाथ जी, मेरे खुद के पिताजी की हत्या यक्षी के हाथों हुई है। अरे मुझ पर और मेरे पूरे गांव वालों पर यक्षी के खतरा मंडरा रहा है। झूठ बोल रहा है साईनाथ जी, प्लीज। मिस्टर आचार्य आइए मेरे साथ, आइए आइए हम बात करते हैं, आइए। आप चिंता मत कीजिए, हम ये केस सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी कुछ पता चल जाएगा, आपको और आपके गांव वालों को कुछ नहीं होगा। हम भी शांति चाहते हैं मैडम, ये साईनाथ जी और उनकी कंपनी की वजह से यक्षी नाराज हो गया है। हमने कितनी पूजा की है, कितने मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन ये यक्षी शांत नहीं हो रहा। वैसे मैं गांव के लोगों से पूछताछ करना चाहती थी। जी जरूर। धन्यवाद। वर्मा जी मैं गांव के लोगों से पूछताछ करने जा रही हूँ, पुलिस को देखकर आदिवासी डर सकते हैं, मैं उनसे अकेले में ही पूछताछ कर लूंगी। और हाँ, कॉम्प्लेक्स पर नजर रखिएगा, हो सकता है कि अगला हमला कंपनी के किसी कर्मचारी पर हो। ओके मैम, आपके लिए गाड़ी ये छोड़े जाता हूँ। ओके। आपसे बात कर सकती हूँ? ये आप क्या बना रही है? काढ़ा बना रही हो बेटी? मेरे बेटे के पेट में दर्द है ना, उसी के लिए। खाना पीना सर पर छत दवाई ये सब जंगल से ही मिलता है हमें। मतलब आप लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल नहीं जाते हो, सारी बीमारियों का इलाज आप ऐसी घरेलू दवाई से ही करते हो? मैडम हम सब प्रकृति से ही बने, ये सारी बीमारियां भी प्रकृति की देन है और उनका इलाज भी हमें प्रकृति से ही मिल जाता है। ये लो बेटा पानी। धन्यवाद।
थोड़ा गंदा है, यहाँ पे ऐसे ही पानी आता है। अगर आप रुकोगी ना तो मैं मेरे लड़के को दुकान भेजकर पानी की बोतल मंगवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर पानी इतना गंदा क्यों आता है? वो क्या है मैडम, जब से गांव में माइनिंग का काम शुरू हुआ है तब से नदी में पानी का स्तर कम हो गया और प्रदूषण की वजह से नदी का पूरा पानी मटमैला हो गया और कंपनी की इसी लापरवाही का नतीजा हम सारे गाँव वालों को भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। कैसी है मेरी गुड़िया? अच्छी। आ जाओ आ जाओ। लो बैग दो। तो मेरे गुंजन बेटा ने आज क्या क्या किया और क्या क्या खाया? खेला भी और चॉकलेट्स भी खाई। अच्छा। पर आज मुझे पिज्जा खाया। पिज्जा? देखो आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज पिज्जा विज्जा कुछ नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कैंटीन से खीर ऑर्डर किया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैंने आज कैंटीन में कह के खाना यहीं पे मंगवा लिया। ठीक है। नहीं, मुझे खीर नहीं खानी, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। गुंजन, बेटा पापा आज बहुत थक चुके हैं ना, कल पिज़्ज़ा खाएंगे पक्का। वर्मा जी, मुझे इन दंगों के सारे आरोपियों के फाइल्स चाहिए और मुझे गांव के लोगों से पूछताछ भी करनी है कि उन्हें कंपनी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैडम, हमने सारे लोगों से पूछताछ कर ली और दंगों के सारे आरोपों की फाइल भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। पर क्या आप कुछ स्पेशली ढूंढ रही हैं? गांव के लोग कंपनी और पुलिस से उतना ही डरते हैं जितना कि यक्षी से। हमें दोबारा उनसे नरमी से पूछताछ करनी होगी। मैडम खाना, और कुछ चाहिए मैडम? नहीं थैंक यू। ओके। तो ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। कभी समय मिले तो प्लीज हमारे घर आइए, हमारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जिस दिन ये केस सॉल्व हो जाएगा उस दिन आऊंगी। ठीक है मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाँ अदिति, जंगल वाले केस में कोई पकड़ा गया? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तबीयत कैसी है। फिलहाल तो ठीक है यार, पूरी तरह से ठीक तब होगी जब कोई केस मिलेगा, फिर से काम करना शुरू कर दूंगा। खैर वो छोड़ो, जंगल में कोई टार्जन या मोगली मिला? नहीं, लेकिन अभी अभी गरम गरम खाना जरूर मिला है और लग भी अच्छा रहा है। और कोई लीड? फिलहाल तो नहीं, लेकिन कल मैं कुछ आदिवासियों से पूछताछ करने जा रही हूँ और उस माइनिंग कंपनी में भी जाऊंगी। ठीक है, थकी हुई लग रही हो, सो जाओ, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। मैडम, आपके लिए स्पेशल खीर बनाई है, जरा चख के देखिए। थैंक यू। क्या नाम है आपको? जी प्रीतम। ये खाना भी आपने ही बनाया? जी हाँ, यहाँ के कॉम्प्लेक्स के सारे लोगों के लिए खाना मैं ही बनाता हूँ। प्रीतम जी, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस कंपनी के सारे कर्मचारियों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मेरे ही किचन में बनता है। अच्छा प्रीतम जी, एक बात बताइए जी, ये यक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ के आदिवासी कहते हैं कि जंगल में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो प्रकृति की रक्षा करती है और उसमें से एक यक्षी है, लेकिन ये सारी बातें मेरे समझ के तो बाहर है। और कुछ चाहिए मैडम? थैंक यू। ठीक है। ये लीजिए।
प्रतीक्षा, मैंने शिमला में कुछ रिसोर्ट्स देख के रखे हैं, यहाँ पे मामला सुलझते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है। तू ठीक तो है बेटा? साई, ये तो मिट्टी है। पानी पियो बेटा, पानी पियो। जल्दी अंदर जाओ, रूम बंद कर दो अंदर से, और जब तक मैं ना बोलूं तुम लोग बाहर मत निकलना। क्लोज द डोर। मैं देखता हूं ये सब कौन कर रहा है। सही सही समझ। क्लोज द डोर, बंद करो। मम्मा मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं। हां, डरो मत। अब यहाँ पे रुको। निकलो, आखिरी वार्निंग दे रही, नहीं तो मैं गोली चला दूं। साई, तुम ठीक हो ना? साई, क्या हो गया सर? साई, उठो साई।
मैम, आप श्योर हैं कि जब आपने गोली चलाई तो आदमी बाथरूम में ही था? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे गोली लगी कैसे नहीं। अरे अरे, क्यों क्यों सर, सर, वो हमारे फैजान सर और उनकी मैडम। क्या हुआ? मैं उनको खाना दिया था और फिर खाली प्लेट लेने चला गया तो देखा तो सर मिट्टी में लिपटे पड़े हुए। मैडम मिट्टी है, शरीर के साथ साथ मुंह में भी मिट्टी है। इन्होंने खाना आज यही मंगवाया, कैंटीन में नहीं खाया। इसके मुंह में भी मिट्टी है। हम लोग पास के कॉटेज में ही थे, कोई आकर दो मर्डर्स करके चला गया, हमें कोई आवाज भी नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल है? इनकी बेटी गुंजन का है। गुंजन? गुंजन, गुंजन, तुम ठीक तो? कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। वो मिट्टी वाला आदमी आया था और मम्मी पापा को। कुछ नहीं हुआ वर्मा जी, आचार्य फैमिली की कांटेक्ट डिटेल्स निकालिए और इनके रिश्तेदार को इन्फॉर्म कीजिए, तब तक बच्ची मेरे कमरे में रहेगी। चलो आइए बेटा। सॉरी विक्रांत, मैंने तुम्हें इतनी रात को कॉल किया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। आदिति, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि एक मिट्टी के ढेर ने तुम पे अटैक किया। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? विक्रांत, वो आदमी पूरी तरह से मिट्टी में लिपटा हुआ था। मैंने उस पर दो बार गोली भी चलाई लेकिन वो उसे लगी नहीं और वो अचानक से गायब हो गया। बाद में मुझे वो दो गोली दीवार पर धसी हुई मिली। एक मिनट होल्ड करो, आप जरा दो मिनट के लिए बाहर वेट करेंगे, मैं बुलाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि इन सारे अटैक्स में तुम्हें कोई कॉमन चीज दिखी? कॉमन बात तो यही है कि जितने भी लोगों की डेथ्स हुई है वो मिट्टी में लिपटे हुए मिले और वो सारे लोग एक ही कंपनी से जुड़े हुए थे। बस एक सरपंच था जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं था। तुम कह रही हो कि वो आदमी मिट्टी में लिपटा हुआ था, तो हो सकता है कि कोई आदिवासी ये सब कंपनी के खिलाफ कर रहा हो। विक्रांत, वो जो भी था, बट आई एम वेरी श्योर कि वो इंसान नहीं था। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था, वो एक पल के लिए वहां था और फिर नहीं था। हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। विक्रांत, एक मिनट होल्ड करो, दरवाजे पे कोई है। प्रीतम जी, आप अभी आपके लाइट ऑन थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ नाश्ता ले चलूं, और बच्ची के लिए चॉकलेट वाला दूध भी है। थैंक यू प्रीतम जी, खाना लाने के लिए दीजिए। नहीं मैडम, मैं रख देता हूँ ना।
चलो मैडम मैं जी थैंक यू। हाँ विक्रांत बोलो। अच्छा सुनो तुम इस केस को जरा ध्यान से स्टडी करना। विक्रांत मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वर्मा जी मिस्टर आचार्य और उनकी पत्नी के ब्लड सैंपल्स लेके उनके टेस्ट करवाए। गुंजन का ब्लड टेस्ट भी करना होगा और हाँ मुझे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है थैंक यू। मैम मुझको लैब से फोन आया था। आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया है और उस ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। उस ड्रग के बारे में कुछ पता चला? वो जंगली मशरूम में पाया जाता है और उससे हेलोसिनेशन होता है। और यही ड्रग आदिवासी लोग अरसों से यूज कर रहे हैं। मैम ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि यही ड्रग हमारे खाने में भी मिलाया जा रहा है। जिस दिन मुझे वो मिट्टी वाला आदमी दिखा था उस दिन मैं जस्ट कैंटीन से खाना खाकर आई थी। मिस्टर और मिसेस आचार्य की जब डेथ हुई थी उन्होंने भी कैंटीन से मंगवाया हुआ खाना खाया था। इसका मतलब कोई है जो कैंटीन के खाने में वो ड्रग मिला रहा है। यहाँ के कॉम्प्लेक्स के सारे लोगों के लिए खाना मैं ही बनाता हूँ। कैंटीन का वो कुक प्रीतम। प्रीतम प्रीतम जी रुक जाइए, आप भागने से कोई फायदा नहीं। हमें आपका सच पता चल गया है, आप ही कैंटीन के खाने में ड्रग मिलाते और आप ही यक्षी बनकर लोगों को मारते। मैडम आप यहाँ से चले जाइएगा, यक्षी के हाथ से आप एक बार बच चुकी हैं, दोबारा नहीं बचेंगी आप। इसका मतलब मैं सही थी, आप ही ने मुझ पर अटैक करवाया। अब चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मैडम से फेंक दीजिए वरना मार दूंगा इसको। बाबा आप निकल जाइए यहाँ से, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। रुक जाइए प्रीतम जी, जंगल को बचाने के और भी कई तरीके हैं। लोगों की जान लेकर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इसको बोलिए हथियार नीचे फेंक दे। मैं क्या जंगल को बचाऊंगा मैडम, जंगल अपनी रक्षा खुद करता है। और रही बात कानून की, अगर आप अपना काम सही करते एनरकॉम जैसी कंपनियां हमारा जंगल नष्ट नहीं कर पाते। हथियार नीचे फेंको नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। मैंने कहा हथियार नीचे फेंको नहीं तो गोली चला दूंगी। तुमने इतने सारे लोगों की जान ले ली, तुम्हें अपने अपराध की सजा पता भी है? क्यों किया है सब कुछ? क्योंकि यक्षी यही चाहता था। यक्षी बनकर लोगों को कौन मारता था, तुम या ये? लोगों के खाने में ड्रग्स मिलाना और यक्षी का क्या कनेक्शन है? वो पूजा का एक हिस्सा है, वो जड़ी बूटी खाने में मिलाकर मैं यक्षी के लिए दरवाजा खोलता था, बाकी काम यक्षी स्वयं करता था। मैडम यक्षी ने आपको देख लिया है, अब जिंदगी भर वो आपका पीछा करेगा। चलो बस वर्मा जी, इनके साथ एक औरत भी थी, इनसे उसका पता चलेगा। ध्यान रखना इसका। मेरी बात याद है ना, हमेशा स्माइल रखना।
क्षमा विक्रांत। कांग्रेचुलेशंस अदिति, एक और केस सॉल्व कर लिया। केस ऑफिशियली सॉल्व है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। व्हाट इफ प्रीतम सच बोल रहा कि जंगली सबको मार रहा है? विक्रांत, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन तुम्हें उस वक्त ड्रग किया गया था अदिति। ड्रग वाले एंगल से सब कुछ नहीं सुलझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ड्रगिंग का सबूत है, लेकिन मर्डर किसने और कैसे किया, इसका कोई भी सबूत नहीं है। और सरप्राइजिंगली, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन पर कौन सा चार्ज लगाया गया। ये सब उग्रवादी है, ये तो चाहते हैं कि इस जंगल की तबाही का मुद्दा न्यूज में उछले, जो उन्होंने कर दिखाया। ये सब पब्लिक में आतंक फैलाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। आई होप कि तुम्हारी बात सही निकले और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाए। आई विल सी यू इन मुंबई। एब्सोल्युटली। ठीक है, बाय। मैडम, ये मिस्टर देसाई है, एनरकॉन कंपनी के हेड ऑफिस से स्पेशली आपसे मिलने आए। हेलो। हेलो। आपने गुंजन और हमारी कंपनी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी मिस्टर देसाई, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी बोलिए। आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। यहाँ की नदी आपके माइंस की वजह से काफी पॉल्यूटेड है, मैंने खुद देखी है। पानी में डायरेक्टली केमिकल्स डाले जाते हैं, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम की जरूरत है आपकी और यहाँ के लोगों के भविष्य के लिए। आई एग्री विद यू मैडम, हमारी कंपनी की एनवायरमेंटल पॉलिसी रिवैम्प हो रही है, और मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी कंपनी और यहाँ के आदिवासियों के रिलेशंस अच्छे बने रहें। आई होप कि आप अपने वादे पे कायम रहें। डेफिनेटली। बहुत हो गई नौटंकी तुम लोगों की, बहुत प्यार है ना तुमको अपने इस जंगल से। अब देखना तुम्हारे यही जंगल कैसे हमारे काम आते हैं। हम इन जंगलों से पैसे बनाते रहेंगे और तुम लोग जिंदगी भर नारेबाजी करते रहोगे और जेल में सड़ते रहोगे। सच का हम यही सड़ेंगे, लेकिन वो फिर आएगा, तुम लोगों को चुन चुन के मारेगा।